अपने सामने अपने बेटे को अपना कारोबार संभालते हुए देखकर कितनी खुशी होती है, इस बात का अंदाजा सिर्फ एक बेटे का बाप ही लगा सकता है। कुछ बोलोगे नहीं? I'm happy, Dad. Are you sure? जी डैड, आपके साथ काम करने का बहुत मजा आएगा। अच्छा एक बात बता दूं, मैं यहाँ डैड वैड नहीं हूँ, डायरेक्टर हूँ इस कंपनी का। बॉस? बॉस तो तुम हो, तुम्हारे लिए खड़ा किया ये सारा कारोबार मैंने, समझे? मेरे लिए तो आप ही बॉस हैं और आप ही रहेंगे। यार तुम कुछ ज्यादा सीरियस नहीं लेगे हैं? प्रैक्टिकल लाइफ में आ गया हूँ डैड, सीरियस तो होना चाहिए। तो प्रैक्टिकल लाइफ में आने के मायने ये तो नहीं है कि आदमी खुश होना छोड़ दे। मैं खुश हूँ डैड। कॉन्फ्रेंस रूम में चले। तुम्हें काम समझने में, उसके बाद तुम यूज्ड टू हो जाओगी तो सब काम खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। आई होप सो। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो, आई एम देयर। थैंक यू सो मच। वैसे मुझे इस ऑफिस का एनवायरनमेंट काफी अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा तो है, वैसे माहौल तो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है ना। वैसे भी आपको तो कोई मुश्किल नहीं होगी यहाँ। क्या मतलब? फजूल बातें मत करो अहमद। मैं फजूल क्या है, सच्ची तो बता रहा हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। इसकी तो आदत है हर वक्त मजाक करने की, तुम टेंशन मत लो। देखें मैं तुम्हारा, सीधी सी बात है, हमारे बॉस काफी रहम दिल और हमदर्द वाकई हुए हैं, मगर 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 से फीमेल स्टाफ के लिए, मेल स्टाफ के लिए तो वो एक चल्लाक है। व्हाट? तुम जैसे ही लेजी वर्कर अपनी कोताहियां छुपाने के लिए कोई भी एक्सक्यूज पैदा कर लेते हो। ऐसी कोई बात नहीं अमृत, ये आप नाइंसाफी कर रही हैं। मैं क्या ये ठीक कह रहे हैं? हम यहाँ पे काम करने आए हैं अमृत, बॉस के किरदार से हमें कोई लेना देना नहीं है। तुम संजीदगी से अपना काम करो, माहौल खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। गुड। जैसे ही उन लोगों की तरफ से कोई रिप्लाई आए तो मुझे बताना, फिर उनसे मीटिंग कर लेंगे। और स्टॉक्स वगैरह तो चेक कर लिए थे ना, उसमें कोई इशू तो नहीं है? नहीं डैड, मैंने खुद स्टॉक्स चेक करवा लिए थे। आई एम श्योर हमारे वेंडर्स को इस बार हमसे कुछ शिकायत नहीं होगी। वेरी गुड। देखा बेगम साहबा, हमारे बेटे ने मुझे हैरान कर दिया। क्या मतलब? इसने अभी कुछ ही दिन पहले ऑफिस ज्वाइन किया है और कंपनी के लिए ऐसी तब्दीलियां रिकमेंड की हैं जो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी साबित होंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं जानता था ये सब कुछ इसकी जीन्स में मौजूद है, एक बार ये जाने लग जाए तो सब संभाल लेगा। इतना बड़ा बिजनेस है, मेरे बाद इसी ने तो संभालना है। Come on, Dad, आप ऐसे ही मुझे आसमान पे चढ़ा रहे हैं। मॉम आप डैड की बातों में मत आइएगा, मैं तो भी काम सीख रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज कॉलेज इतनी देर से जा रही हो? जी वो आज क्लास देर से थी ना, इसलिए।
अच्छा अच्छा वहाँ तुम ऑफिस जाते हुए मंशा को कॉलेज छोड़ देना। मॉम ऑफिस एक कोने में और कॉलेज बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में और रास्ते में ट्रैफिक भी होगा। ड्राइवर ने भी अचानक नौकरी छोड़ दी, अभी बेचारी कैसे जाएगी कॉलेज? तो उसमें कौन सा इतना बड़ा मसला है, उसको टैक्सी करके भिजवा दें। तुम अगर छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, जरा सा तो काम का है मैंने तुम्हें। आपके जरा से काम की वजह से हमारा बहुत सारा टाइम जाया हो जाएगा। आज आप टैक्सी में मैनेज कर ले, मैं कोशिश करता हूँ कि ड्राइवर अरेंज हो जाए ताकि ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। डैड बहुत देर हो चुकी है, चलें। अच्छा भाई, खुदा हाफिज़। कब से वेट कर रही थी आज के लंच का, हर दफा डेट आगे बढ़ जाती है, मैं तो बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी लिटरली। और मैं भी, वरना फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग का मौका ही नहीं मिलता है। ये तो है। यू नो व्हाट, मजे की बात ये है, मैं जिस दिन डिसाइड होता है उसी दिन किटी पार्टी की डेट अपने मोबाइल कैलेंडर में मार्क कर लेती हूँ। नो कॉम्प्रोमाइज एट किटी पार्टी। ये पार्टी ना हो ना तो हम घर बैठे बैठे पागल हो जाए। मिसेस यजदानी, आप तो ऐसे कह रही हैं कि जैसे इस गैदरिंग के अलावा आप कहीं आती जाती ही नहीं है। You are right. चाहती तो हूँ, मगर किटी पार्टी का अपना ही अलग मजा है, गॉसिप और वो भी फर्स्ट हैंड, बंदा अप टू डेट तो रहता ही है। Right. By the way, where's your new friend? कौन से दोस्त? यार वो जिसकी तुम हर वक्त तारीफें करती रहती हो। नीलिमा। राइट, नीलिमा। हाय। Hi. अभी हम तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। I hope अच्छी ही बातें होंगी। नुसरत बहुत तारीफें करती है आपकी। अच्छा। Oh, by the way, मैं आप दोनों का प्रॉपर इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। ये है मिसेस राहिला हाशमी और राहिला ये है नीलिमा। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। Other thing कि हमें किटी पार्टी के अलावा भी मिलना चाहिए। Why not? Sure. I must say, आपने अपने आप को बहुत फिट रखा हुआ। मैंने कहा था ना। I must say, तुमने पहली दफा ठीक कहा था। Otherwise, she always talks nonsense. दोस्ती रहेगी आपसे। हेलो हेलो
कैसे हैं आप? ठीक। ठीक लग तो नहीं रहे आप। मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ माया। तो क्या हुआ? ऑफिस आप ही का तो है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? काम तो मुझे भी करना पड़ेगा। फिर भी बॉस और वर्कर में बहुत फर्क होता है। तुमने यही कहने के लिए मुझे फोन किया? मैंने तो आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, लेकिन आप तो इस वक्त बात सुनने के मूड में ही नहीं लग रहे। बोलो, मैं सुन रहा। मैं सोच रही थी कि आपको एक दफा अमृत से मिलकर बात डिस्कस कर लेनी चाहिए थी। इससे क्या होगा? देखिए, मैं आपको बिल्कुल सही मशवरा दे रही हूँ। आजकल वैसे भी अमृत काफी अच्छे मूड में है, जॉब पे जाना भी स्टार्ट कर लिया है उसने। जॉब कहाँ? उसने मुझे बताया नहीं। आपके और उसके बीच में कोई बताने वाले टर्म्स है क्या? ठीक कह रही हो तुम। अब उसे क्या जरूरत है मुझसे कोई भी बात शेयर करने की? अगर आप मेरी बात मानेंगे तो सब कुछ पहले की तरह हो सकता है वहाँ। वो कैसे? देखिए, मैं अमृत को किसी पुरसकून जगह पे ले आती हूँ, आपको भी टाइम बता दूंगी, आप भी आ जाइएगा, फिर आमने सामने बैठ के सारे गिले शिकवे दूर कर लीजिएगा। वो मेरी बात सुनेगी तो कुछ होगा ना यार। देखिए, फोन पटक देना या नीलोफर के जरिए मैसेज भिजवाना। और बात है, एक दूसरे की शक्ल देखकर वैसे ही दिल नरम हो जाता है, वो आपकी बात बेहतर तरीके से समझ पाएगी। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो ये बात? ये क्या बात हुई भला? आप इतनी मोहब्बत करते हैं अमृत से, कोई भी लड़की इतनी मोहब्बत कैसे ठुकरा सकती है? सोड़ी है जी, सुना है कि मोहल्ले के मर्द तो मर्द, लड़के भी इनके आगे पीछे मल्ला रहे। मोहल्ले की बीबियां बड़ी चौकन्ना हो गई हैं जी, अभी थोड़े ही दिन हुए नहीं आए वे, लेकिन आज तक ना खुद किसी के घर गई और ना ही कोई इनके घर आया है जी। वैसे बाजी, सोली शक्ल के साथ साथ गुरूर भी रच के है जी, और वो भी क्यों ना, इतनी प्यारी सी शक्ल पे नखरा तो जचता है जी। तुम ज्यादा फजूल बातें नहीं करने लगी? से सुभाने सुमेर की शादी में हम सब लोग बहुत जल्द। अरे
के हाथ पैर मॉम के अलावा और बात में आपको सो काइंड डेट होने वाली है पढ़ेंगे यार मुश्किल से भी सिर्फ एक्सिबिशन कराऊंगी जान पहचान सकीना जी बाजी पर लाउंज में जाओ मैं अपना बैग वहां छोड़कर आ गई हूं जल्दी लेकर आऊं सुनो सकीना जी ये हमारे बराबर वाले घर में कोई रहने आया क्या उनका मेन गेट ओपन था हाँ जी बाजी रहने आई है सुना है किसी कॉलेज वगैरह में पढ़ाती है अच्छा सुनो जी मुझे ब्लैक कॉफी ला दो प्लीज जी अभी नहीं थैंक यू बाय द वे तो नेपर्स में इतना इंटरेस्ट आपका कब से हो गया हर्षी भाई को पूछा मैं आपको वो पुराने वाले अंकल याद है जो हमारे साथ वाले घर में रहते थे उनको मेरी बाइक से कितना प्रॉब्लम था हर वक्त उसे क्रिटिसाइज करते रहते थे बस क्यों तो क्या गलत कहते थे बगैर साइलेंसर की तुम बाइक चलाते थे पूरा इलाके में शोर होता था वो बेचारे हार्ट पेशेंट थे बुलाओ ना उन लोगों को किसी दिन डिनर पे क्यों I don't think ऐसी कोई जरूरत है कुछ दिन रुक जाए let them settle down फिर जाऊंगी मिलूंगी देखूंगी समझ आ तो कर लूंगी भाई नहीं मेहमानों को बुलाना चाहिए अपने घर अच्छा होता that's better तुम ये इंटरेस्ट खाने में लोगे या मुझे वही अमी I'm loving the food सकीना कहाँ चली गई हो सकीना जी जी साहब जी सकीना मेरे लिए जूस लेके आओ अच्छा जी अभी नहीं वो नाश्ता भी लगा दूँ आपके लिए नहीं नाश्ता अभी नहीं थोड़ी देर बात करूंगा पहले जूस ले आओ अच्छा जी अभी नहीं आजकल आपका रोज सुबह सुबह लॉन में बैठने का बहुत दिल चाहने लगा है आज मौसम बहुत अच्छा है इसलिए यहाँ बैठा हूँ आओ तुम भी बैठ जाओ वो तो मैं देख ही रही हूँ दो चार दिन से मौसम बहुत अच्छा हो गया और उसके साथ साथ आपका मूड भी अब अगर मौसम के साथ मूड भी अच्छा है तो तुम इसे क्यों खराब करना चाहती हो आई थिंक आई शुड गो क्योंकि अगर मैं बैठ गई तो आपका मूड खराब हो जाए ऐसा नहीं चाहती अजीब औरत है ना खुद खुश रहती और ना किसी को खुश रहने देती वो
असल में तुम मुझे धोखे से यहाँ पर लेकर आई हो। अमृत क्या हो गया, मेरी बात सुनो। तुमसे बात नहीं कर रही, अपनी बहन से बात कर रही। अमृत बात तो सुन लो। तो आप हमारे नेबर में शिफ्ट? जी बिल्कुल, आपके नेबर में शिफ्ट हो गया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो कभी बुलाए हमें चाय पे? बिल्कुल जरूर आइए ना, बिल्कुल जी जरूर। आई वुड लव टू।